हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यहाँ सब्जी। दोस्तों मैं हूँ आपका, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ की तरह एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। दोस्तों इस टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ गदर के संबंधित में। कुछ ऐसी बात है जो आपको हैरान कर देगी। अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। दोस्तों गधे अविश्वसनीय जानवर है जो उत्तरीय स्मृति और जबरदस्त भौतिक शक्ति के साथ धरती पर जन्म लेते हैं। यह अफ्रीका और मध्य पूर्व में अफ्रीकी जंगली गधे से 5000 साल पहले अस्तित्व में आया था। दुनिया में 41 मिलियन गधे में से 11 लाख केवल चीन में पाए जाते हैं। गधा घोड़ा परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है। आमतौर पर जब कोई इंसान बेवकूफ़ी भरा काम करता है तो उसकी तुलना तुरंत गधे से की जाती है। बता दें कि सदियों से गधे की इस दुनिया का सबसे डफर प्राणी माना जाता है। मगर हम आपको बता दें कि असल में एक गधा बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है। और आज हम आपको कुछ गधे से जुड़ी बहुत दिलचस्प बातें बताएंगे। उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक रहेगी। नंबर एक, रेगिस्तान में एक गधा दूसरी गधा की आवाज़ 40 मील तक सुन सकती है। ऐसा उनके लिए मुमकिन इसलिए है क्योंकि उनकी कान बहुत बड़ी होती है। नंबर दो, गधे की याददाश्त काफ़ी तेज़ होती है। इतनी तेज़ कि अगर वे 25 साल पहले किसी जगह पर किसी दूसरे गधे से मिले थे तो उसे पहचानने में वो सक्षम होते हैं। तीन, गधे की प्रजाति मूल रूप से मध्य पूर्व और अफ्रीका के रेगिस्तान क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखती है। ये उन स्थानों पर जीवित रहने के लिए शारीरिक रूप से अच्छे माने जाते हैं। यही से उत्पन्न हुई ये प्रजाति आज पूरे विश्व में फैल गई है। नंबर चार, गधे ऊंची स्थानों पर आसानी से चढ़ जाते हैं, इसलिए इन्हें टेढ़े मेढ़े रास्तों का बादशाह माना जाता है। पाँच, अगर गधे की यात्रा करते वक्त कुछ गलतियों का अनुभव करते हैं तो वह अपनी यात्रा को रोक देते हैं और अपनी ऊंची एड़ी में खुदाई करने लगती है। गधों की इन हरकत से इंसान को समझ जाना चाहिए कि आगे कुछ न कुछ खतरा ज़रूर होगा। छः, घोड़ों का मुकाबले गधों स्वतंत्र सोच और फैसले लेने में कामयाब होते हैं। सात, आपको जानकर हैरानी होगी कि गधों की झुंड में रहने वाला जानवर माना जाता है और गधा बकरियों की झुंड में ज़्यादा खुश रहता है। नंबर आठ, गधे को बारिश पसंद नहीं होती है क्योंकि गधे का खाल वाटरप्रूफ नहीं होती है और ज़्यादा देर तक बारिश में रहने पर उनकी तबीयत बिगड़ जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अभी सभी दोस्तों से शेयर करें। और फिर से एक बार आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको तुरंत एक ज्ञानवर्धक वाला वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।